भागो, मेरा बदला मुर्गा गाड़ी छूट रहा है। सामने भीड़ देखो यार, अपने को इधर मस्त खाली। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम वापस से निकल पड़े हैं क्योंकि पिछला वीडियो देख के आपको बहुत मजा आया है, जितने सारे कमेंट किए आपने वो देख के मेरे को भी बहुत मजा आया, तो मेरे को लगा कि क्यों ना वैसे ही कंटेंट और बनाना चाहिए। तो अभी हम जा रहे थे दूसरे जगह परिश्रम करने के लिए, एंड मेरा किस्मत इतना खराब है ना कि देखो आज फिर बारिश आ गया। तो अभी अपने को पहले जाना है बोरीवली स्टेशन, वहाँ से जाना है फिर दादर, दादर से बदलापुर। सफर था लंबा है, तो अपने सफर की शुरुआत करने से पहले बोलते हैं गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो गाइस अभी मिलते हैं आगे जाके। एंड या ये वीडियो पे भी अगर 500 कमेंट आ जाएंगे ना गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अपना द फूड का वीडियो। तो प्लीज यार, फिर भी अगर फूड का वीडियो नहीं भी चाहिए ना तो भी एक कमेंट छोड़ के जाओ, अच्छा लगता है, थोड़ा फील्स पॉजिटिव। चले गए अभी, चलो 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 चलो। अपना किस्मत ऐसा है कि लास्ट टाइम भी गया था तो बारिश हो रहा था, अभी भी जा रहा हूँ तो बारिश होगा, पता नहीं जगह बंद होगा कि नहीं, बट यार मेरे को अभी उस चीज का डर नहीं है, बिकॉज मेरे को पता है कि आपको ऐसे ऐसा वीडियो तो देखने में ज्यादा एंजॉय कर रहे हो आप। पता नहीं तेल लेने गया कि जगह बंद है कि चालू है, कुछ भी हो, दिस इज द बोरीवली स्टेशन। बाप रे, आज तो बहुत लाइन है भाई ये टाइम पे। ओए होए होए होए, इतना लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। अरे पहले होते तो ऐसे विदाउट टिकट ही निकल लेते थे, बट अभी क्या बड़े हो गए। इंटरेस्ट में काउंटर वाले इतना स्लो क्या करते हैं पता नहीं, यहाँ पर जो अंकल रहता ना ये फटफट फटफट फटफट, ये लोग तो करते ही रह जाते हैं, ये फटाफट दे देते हैं अपना, तो दिस इज मच बेटर। बैग तो सर फोड़ेगा दादा, एक दादर अच्छा लाइन है। कोई तो पिछले वीडियो का कमेंट में मेरे को बोल रहा था कि भाई आप कैमरे से शूट क्यों नहीं कर रहे हो, आईफोन से क्यों कर रहे हो भाई, अभी इंडिया वैसा नहीं रहा जैसे अपने लिए पहले होता था, अभी सब इंटॉलरेंट हो गए। गेट फास्ट है यहाँ पे, तो अगर आप स्टेशन वगैरह पे कैमरे से शूट किया ना तो भाई कोई भी कभी भी रोने लगता है भाई, एंड वो त्रास लेके अपने को चलना है नहीं। तो इस बेटर कि अपन ने अगर खर्चा किया आईफोन पे तो उससे शूट होना चाहिए। फिर देखो भाई बोरीवली स्टेशन ऐसा लग रहा है, मैं ना कभी गया नहीं पालघर साइड में, कभी गया नहीं ये बदलापुर साइड में जब जा रहा, पर मेरे को पिछले वीडियो में बहुत मज़ा आया जाने में, तो मैंने बोला आज कहीं दूर देखते हैं, और तो अपन ने डिसाइड किया फिर बदलापुर। थक गया भाई, पिछले वीडियो में तो कमलेश भाई मिले थे, तो ये वीडियो में कौन मिलेगा भाई, कौन। भाई मेरे को लगता है मेरे को ईयरफोन वगैरह निकाल के रख देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा रश का टाइम होगा, अभी भीड़ होएगा ट्रेन में अंकल, होएगा ना। देखो ट्रेन आ गई ली अपनी, अपन निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो आप? सही है, क्या चैनल का नाम? प्रमोद रावत। ये ट्रेन आ गई, आप कहाँ से आए हो? पुणे से। कहाँ जा रहे हो? दादर से। कहाँ काम है? काम है, काम। मेरे को लगा घूमने जा रहे हो क्या। ठीक है चलो चलो अंदर चलो, अपने को दादर जाना है तो अपने को अंदर जाना पड़ेगा। हाय ब्रो, हाय। भाई अपने फंक्यू का फॉलोवर है ये, देख लीजिए। अभी चल लो अपन दादरला, तिकडे जाऊन अपन चेंज करायला आणि भेटूया, है ना अंकल। चलो 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 चलो, तो ये आगे जाकर थोड़ा खाली होगा ना, अपने को अंदर जाना चाहिए बिकॉज जब बारिश का टाइम है ना भाई, उधर खड़े रहे भीग जाएंगे। ओ, 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 ओ भागो 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 भाग मिल्खा। हाँ मैं बोल रहा था कि ये जो फास्ट होती है ना, यहाँ से भी दो टाइप की फास्ट होती है, एक होता है जो अंधेरी से जाके फास्ट होता है, मतलब बोरीवली से कांदिवली मलाड गोरेगांव सब रुक के जाता है, और एक होता है जो डायरेक्ट यहाँ से अंधेरी जाता है, और ये डायरेक्ट अंधेरी जाएगा यहाँ से, बस ऐसे बता रहा था आपको।
मार रहे। हाँ तो गाइस अपन पहुंच गए अभी तो दादर है ना, आपने सुना होगा कि इधर के आगे जीत है और दादर के आगे ही सीट है ना, तो देखो दादर में पूरी ट्रेन तक खाली हो जाती है एंड यहाँ से आपको बैठने मिल जाता है। अभी अगर आपको तो सेंट्रल लाइन है हार्बर लाइन के लिए जाना है तो आपको दादर से चेंज करना पड़ेगा। मैं भी इतना उस साइड में गया नहीं, बट आई रिमेम्बर कि जब मैं अपना जो साउथ के ट्रिप के लिए जा रहा था तो क्रॉस करके वो साइड को गया था लेफ्ट को, तो यहाँ से फिर अपने को वापस से अलग टिकट लेना पड़ेगा था बदलापुर के लिए। एंड मैंने अपना एम इंडिकेटर में चेक किया था कि 12:30 बजे का जो अपना बदलापुर का ट्रेन है। इस अपना था वेस्टर्न लाइन और ये सेंट्रल लाइन का प्लेटफॉर्म। ओहो वापर सेंट्रल लाइन का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी शुक्रिया है। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, जो दिख रहा है मेरे को, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अरे लेकिन हवा इतना आ रहा था ना, ठंडी इतना था ना, दरवाजे पर खड़ा था ना तो सुसु आ गई यार। ओहो वाओ इधर तो और खतरनाक लाइन। अंकल बदलापुर के लिए यहाँ से मिलेगा अपने को? मिलेगा ना भैया। आप कहाँ जा रहे हो? खाने भी जाने के लिए यहीं से है। अरे फ्लैश आ जाता है ना लोगों के मुंह पे तो फिर थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। अभी टिकट लेके आपको मिलते हैं। मेरा लाइन ना चले जाए इस चक्कर में। इस पर से एसी लोकल का भी मिलता है, मैंने मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मैंने भैया को बोला मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो। बदलापुर चलो भाई अभी पेमेंट करते हैं। पुलिस कलेक्टर टिकट। देखो भाई कभी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेने का, लोग हेल्प कर देते हैं। ओ वाह यार इतना अच्छा हो गया, सामने टॉयलेट भी मिल गया यार। कभी कभी चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो जाए तो कितना अच्छा लगता है कि सामने टॉयलेट भी मिल गया, एसी, ट्रेन का टाइमिंग भी मैच हो गया। अब द पॉइंट इज कि अपने को जाना है तो सेंट्रल बदलापुर में, उसके लिए प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। भाई बहुत भीड़ है ज़्यादा, बीच में खड़े हो जाओगे तो पिस जाओगे तुम, ऐसा लग रहा है। सर ये बदलापुर के लिए कहाँ से जाना है? बस वो एसी लोकल भी उधर ही आएगा। वाह नर्स नंबर से देखा, सब चीज़ अपने ही फेवर में। भाई बारिश बहुत ज़्यादा है भाई, आज भी मेरे को लगता है मैं बदलापुर ऐसे घूम के आ जाऊँगा लगता है। कोई बात नहीं, एंजॉइंग दिस घूमना फिर। बाप रे भाई इधर भीड़ देखो, बदलापुर जाने के लिए भी कितना सारा भीड़ है भाई। खपोली की ट्रेन आने वाली है थाने डोंगरी में। बाप रे बीच में रुका हुआ है, बाप रे। वेल 33 का खापोली है, उसके पहले अपना आएगा। अच्छा हुआ मैंने एसी लोकल लिया। अरे बदलापुर इधर से जाएगा ना? 10 से ना, 10 ही है ना ये? सही है, मेरे का हाथ मिलाने आ गया। अरे बदलापुर यहीं से जाएगा ना? हाँ वो वही है ना, मेरा टिकट निकाल के दे, वो बोला बदलापुर का एसी गाड़ी सामने लगा हुआ है। अरे मेरे को भागना पड़ेगा। अरे सब लोग क्यों बोल रहे थे फिर यहीं से जाएगा? हाँ यार 10 नंबर ही था ना, देखा। अच्छा वो उन्होंने मेरे को बता दिया, बस छूट ना जाए। तो बारिश का टाइम है भाई, जाने का टाइम तो नहीं हुआ। बदलापुर जाएगा ना अंकल? सही है, मैं उधर भाग गया था 10 नंबर पे, किसी ने मेरे को हाँ एसी, बस एसी चाहिए था। वो प्लेटफॉर्म पूरा भरा पड़ा है बदलापुर जाने के लिए एंड तुम एसी में आओगे तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। बदलापुर के लिए यहाँ को जाएगा कि वहाँ को? मोस्टली कन्फर्म करना पड़ेगा भैया। बदलापुर यहाँ को जाएगा कि यहाँ को? वहाँ को ना, ऐसा सीट लेंगे कि वहाँ को जाने में ज़्यादा। अरे अंकल नहीं, अंकल नहीं, ठीक है यहाँ पर। हो विंडो भी मिलेगा, जाने भी मिलेगा। देखो अभी सीन ऐसा है कि अपन जैकेट निकाल सकते हैं बिकॉज अभी अपन ने इसी में यहाँ पर फालतू का काई को जैकेट पहन के रखने का ना। विंडशील्डर लेके नहीं आ रहा था, मम्मी ने बोला जबरदस्ती लेके जा, फालतू का फेंक जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं अलग बोली कहीं थी मम्मी, हेलो मम्मी बॉडी वॉडी बनाया तो थोड़ा दिखाना चाहिए ना। धोले छोले अपना एसी लोकल था बदलापुर के लिए ना, अभी अपन आके जाते हैं, मिलेंगे आपको डायरेक्ट बदलापुर में। चले यार चलो 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 चालू हो जाए।
अगर आपको भी बदलापुर जाना है तो आपको पता है कि आपको सिर्फ एसी लोकल ही लेना है। 115 रुपए का ही टिकट था, ज्यादा नहीं है सर। अगर आप सोच रहे हो ना कि एसी लोकल को अच्छे से क्यों नहीं दिखा रहा है, तो मैंने एसी लोकल का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो जाके देखना। बस टाइम हो गया अपना जाने का। अरे यार लंबा है यहाँ से बदलापुर यार, एंड बदलापुर से हो तो एक कमेंट तो छोड़ के जाना है। जैसे भी आए हो एक कमेंट चाहिए अपने को भाई, कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। और यार मेरे को सजेशन भी दो ना, अगर आपके पास कुछ है कि यहाँ पर जाओ भाई, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर। हाँ हो भाई, जागो अपने सब्सक्राइबर, थोड़ा अभी अपन जाग गए तो, है ना। गुलाबी साड़ियाँ नीला नीला लाल, उससे तुम्हारी रजा फोटो माता कार्ड। ये भाई आया अपने पास भाग के, बोलता है यूट्यूब चैनल क्या, आपका नाम क्या है? धैर्य। धैर्य, मस्त प्रमोद रावत डालो, आएगा। कहाँ जा रहे हो धैर्य? डोंबिवली। क्या रहते हो डोंबिवली में? कि घूमने जा रहे हो? यहाँ कहाँ आए थे? टेबल टेनिस के मैच है। क्या था? टेबल टेनिस? टीटी खेलते हो? ओह, मैं भी स्टेट लेवल प्लेयर हूँ टीटी का। लगता नहीं है बॉडी देख के? नहीं लगता? भाई ने मेरे साथ मैचिंग मैचिंग पहना है यार। सामने भीड़ देखो यार, बदलापुर पहुँचने का क्या टाइमिंग होगा भाई। अपने को इधर मस्त खाली। ओह तो भूल ही गया, ये मैं तो भूल ही गया था कि इसमें ऑटोमेटिक होता है। अच्छा वो मैं बाहर जाके रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। भाई भाई दादर देखो भाई, जो भी एसी लोकल से आएगा ना, उसको एक चीज़ पहले बता लूँ कि अपना जो नॉर्मल लोकल होता है ना, इसमें एक बार टीसी आपको ना पकड़े तो उसमें रिस्क ले लेना, बट इसमें टीसी पक्का आता है, याद रखो। मैं जितने बार भी एसी लोकल में गया हूँ, टीसी पक्का आता है। तो इट इज़ बेटर कि आप टिकट लेके ही चढ़ना इस पर, वरना मत चढ़ना, ठीक है। देखो भाई अपना आया इधर, और इधर आके फोन पे लगा हुआ है। बट यार क्या खतरनाक चीज़ है ना कि हम दोनों का कपड़ा इतना मैचिंग कैसे हो गया है। भाई का कपड़ा ही है, और मेरा भी दिखाओ, सेम सेम। और हम मिले भी साथ में ही, हम जा भी साथ में ही रहे। कैसे क्या सोच के पहना आज आपने कपड़ा? जा रहा था तब मैंने बोला आज मैं, है ना, मैं भी ऐसे ही आ रहा था, फिर मैंने बोला कि आज मैं यही पहनता हूँ। भाई के साथ यूनिक यूनिक घटनाएं होती है। क्या होता है भाई इसको? भाई बोलता है क्रैम्प आते रहता है, अभी पैर में आया, सर पे भी आता है। हाँ। कैसे आता है सर पे? बोलता है एक घंटे तक सर ऐसे ही रहता है मेरा। चलो ये भाई अपने को बोलता है कि ये टोटल कितने भाई बहन? 7-8। ठीक है 7-8 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? मैं। तो और छोटे कितने हैं सर? 5 और छोटे। कौन से क्लास में? और ये सबसे बड़ा है, ये 5th स्टैंडर्ड में। और कौन से स्टैंडर्ड में? एक मेरी बहन 5th में है। अच्छा 5th में। तो दीदी थी आप बोल रहे थे? बहन ही है। तो दीदी हुई कि छोटी हुई ना वो? तो फिर दीदी कैसे हुई? मेरी दीदी है। दीदी मतलब बड़ी बहन होती है, उसको दीदी बोलते हैं। अच्छा छोटी बहन को भी दीदी बोलते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, वो कौन से क्लास में? 5th। और छोटा? मेरा एक भाई 3rd में है। एक भाई 3rd में है। एक भाई 4th में है। एक भाई 4th में है। वाह, तो फिर तो घर पे खेलते होगे सब साथ में मिलके? नहीं अलग अलग है। तो कजिन होंगे ना? रियल? अरे इसका थोड़ा कंफ्यूजन है लगता है। रहेगा? हाँ रहेगा ना। हाँ क्योंकि अगर सबसे बड़े आप हो तो उसके बाद 6 कब हुए? भाई बोल रहा था कि चैलेंजेस किए क्या आपने? मैंने बोला भाई बहुत चैलेंजेस किए। और आपको चैलेंजेस देखना अच्छा लगता है? गाइस कमेंट में बताओ अगर आपको कोई नया चैलेंज चाहिए तो। आप कुछ बताओगे, कुछ चैलेंज देखना है आपको? क्या चैलेंज करूँ बताओ? भिखारी बनाओ। भिखारी भी बनाऊँ? देखना। हाँ वाह, देखा ये सब तो किया हुआ है मैंने। आपने अगर भिखारी वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखो, आप भी देखना। अभी अपन पहुँच गए थे कल्याण स्टेशन पर। यार काफ़ी टाइम पर रुक गए बताए, मेरे को पता नहीं है अभी, अपने को आइडिया नहीं है ना इलेंका कि कितना टाइम रुकते, तो ज़्यादा रिस्क लिया नहीं अपन ने, बट यहाँ पे काफ़ी देर से रुके। पहुँच गए थे बदलापुर स्टेशन। यार एसी ट्रेन में आने का एक फ़ायदा और एक नुकसान दोनों होता है। फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी खाली होता है, एंड नुकसान ये होता है कि जो वादियाँ हैं अंदर, नज़ारे जो बाहर के होते हैं ना, अपन ने मिस कर दिए। इतना ख़तरनाक एसी था ना कि वापस से टॉयलेट आ गए। हाँ भाई कैसे हो? बस ठीक हो, आप कैसे हो? आप इसी ट्रेन में थे? इसी ट्रेन में था। हाँ आपका नाम क्या है? आकाश मटकर। हम पहुंच गए थे बदलापुर। किधर से ट्रैवल कर रहे थे? मैं कांदिवली से। नहीं दादर, दादर।
क्या बात कर रहे हैं भाई, अपने सब्सक्राइबर मिले, कहाँ जा रहे हो? मैं इधर, इधर ही डैम है ना, कौन सा? मैं भी पहली बार आया हूँ। मैं को लगा तुम यहीं से हो भाई। मैं दादर से हूँ। अच्छा दादर से हो, क्या दोस्त थोड़ा बीमार है? अच्छा तो उसको मिलना है क्या? नहीं मैं तो घूमने आया हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे को लगा आप भी घूमने आए मैं भी घूमने आए तो साथ में घूम लेंगे क्या। तो अभी अपने को यहाँ से जाना है द वरागी डैम बोलते हैं मराठी में, बैरेज डैम बोलते हैं अपने जो इंग्लिश के 14 वाले। ओहो हो, ऐसे नए जगह पे आने का जो अलग फीलिंग हो रहा है, पता है कि ऐसा जो देखने को मिलता है ना नया नया, मज़ा आ रहा है। देखो भाई अपन तो सोचा था कि अभी बदलापुर आएंगे अपन कभी, बदलापुर स्टेशन। ओ भाई मेरा वायर खींच के लेके जा रहे थे छतरी के साथ। और मैं गोप्रो काई के लिए लाता हूँ पता नहीं, वो बैग में ही है अभी। अगर इकड़े बरागे डैम कुछ है? हाँ चालू होगा अभी भाई। इधर से बरागे डैम कैसे जाने का? बरागे डैम बैरक डैम उधर से लेना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे? गाड़ी जाता है। बैरक डैम जाना है? बैरक डैम बरागे है कि बैरक है क्या हो? बैरेज डैम। हाँ बैरेज, मत जाओ नदी में बहुत पानी है। हाँ बट ठीक है, थोड़ा बाहर बाहर से घूम के आ जाएंगे। जाओ उधर मुझे पुलिस लोग मारते हैं उधर डंडे से। और कोई और कहीं भी है? और कहीं भी है, तुम अकेला है क्या? हाँ नदी के ब्रिज पे छोड़ेगा, नदी के ब्रिज के ऊपर नदी देख सकते हैं ऊपर से। जाने का जाना तो है पर बैरेज तक घूम के आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। भैया बोलते पुलिस मारेगा उधर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पानी है। अब बात तो सही है वैसे भैया का। अरे भाई मैंने जैकेट क्यों पहन के रखा है? बैरेज डैम है वो भाई। तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नत कहाँ बिन हुए फना, बदलापुर है ये भाई। इधर तो पूरा स्टेशन के मार्केट है भाई पूरा। ए बैरेज डैम जाना है? ये देखो भाई मंदिर है क्या इधर? कोई इधर क्या मंदिर है भैया? कोई मंदिर है क्या? कोई ये इधर फूल है वाला मंदिर है क्या इधर, पूछ रहा हूँ। जैन मंदिर है। अच्छा जैन मंदिर है। ओ अंकल बोलता कौन सा मंदिर, मतलब कौन सा मंदिर क्या पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा मंदिर? बारिश बहुत ज्यादा है मेरे को लगता है सब जगह बंद ही होगा, पर ठीक है अपन बदलापुर घूमने आया आज भाई, खाने को कुछ मिल जाए ना भाई। बैरेज डैम कैसे जाने का? इधर से ऑटो मिलेगा? अभी भीगने उधर नहाने दे रहे होंगे मारेगी। और कुछ है जगह इधर नहाने के लिए? बारिश में नहाने वाले। अरे भाई बोलो ना यार। बारवी डैम उधर नहीं मारेगा पुलिस? वो कितना लंबा है? बैरेज डैम में पुलिस मारेगा और बारवी डैम में पुलिस नहीं मारेगा? वाह सही कह रहे थे। बैरेज डैम जाएगा कि बारवी डैम जाएंगे? सब बंद है बोलते हैं यार, क्या बारिश में मैं भी। GoPro निकाल लूँगे अपना भाई, फोन वोन खराब ना हो जाए। कोई नहीं यार देख लेंगे। चलो तो भाई लोग ने बोला कि इधर कौशल भाई है उनसे पूछो। और कुछ है इधर आजू बाजू में? एक बाहर वालों ने बोला लोग कौशल भाई को पता है क्या बारवी डैम चालू रहेगा अभी नहाने के लिए? कुछ नहीं चालू रहेगा क्या? अभी पानी है। हाँ वो डैम का पानी खुला नहीं है, मतलब एक काम करो डैम ही जाओ, नहीं तो मुलगांव जाओ। क्या मुलगांव? उधर मंदिर भी है। हाँ और अच्छा है। कितना लंबा है डैम से आग पहले? क्या मुलगांव? मुलगांव मंदिर का नाम है। गाड़ी भी नहीं उधर पुलिस नहीं ना? और ये बैरेज डैम कैसा है? बैरेज डैम अभी जाना ही मत। नहीं ना पूरा भर चुका है। अच्छा मुलवी जाऊँ या तो मुलगांव? मुलवी में मंदिर है, ठीक है देखा कुछ तो लेके ही जाएंगे अपन। रिजॉर्ट नहीं है सर, तो नहाने के लिए कहाँ जाऊँ? बारवी ना नज़दीक में ना। चलो थैंक यू। हाँ तो हमने ये पता पूछा है मेडिकल से, देख लो भाई मेडिकल। हाँ अंदर बारवी डैम चलोगे? कितना?
एक ही अकेला थोड़ा ज्यादा है 300, थोड़ा कम करो। बैठते ना है। ओह उधर से वापस आने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं? शेयरिंग से मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट। अभी भी आप शेयरिंग ही कर लो। तो चलो बारहवीं डैम चलते हैं अपन, वहाँ पर देखते हैं अपने को नहाने तो मिलता है कि नहीं। लोग होंगे ना उधर आज सैटरडे है तो। अच्छा ऊपर पहाड़ी पे। ओ तो वो जो मूलगांव में मंदिर है वो ऊपर पहाड़ी पे, अभी फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। रहने दो अंकल, वापसी में खाएंगे। अभी नहीं, अभी जाऊंगा तो पेट दुखेगा फिर पानी में। यहाँ का मूलगांव का वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा पहले कि जाते वक्त खाऊंगा, अभी आते वक्त में रिटर्न में खाएंगे ना, क्यों पेट टाइट करके जाना आपका। ये दो ही फेमस है क्या इधर? ओ तो वड़ा पाव खाने के लिए भीड़ देखो इधर। कोई नहीं, रिटर्न में खाएंगे अपन। ओहो हो हो, तो आप मूलगांव आओगे तो यहाँ का वड़ा पाव जरूर खा के जाना। देखो कहीं डैम में भीगने मिले नहीं मिले ये मिले, सेफ रहेगा तो ही जाया करो, वरना यहाँ पे नेचर में आके इसके मज़े लेके जाओगे तो वो भी बहुत है। क्या बोलते हैं अंकल, है ना? लेकिन मतलब यही है कि आओगे तो सेफली आओ, और जहाँ पे डेंजर रहेगा वहाँ पे नहीं जाने का। बाकी यहाँ पर बंगलोज वगैरह भी अंकल बोल रहे थे बहुत बुकिंग में मिलते हैं, तो आपको आना है तो अच्छा ऑप्शन है, मतलब लोनावला खंडाला वो सबके बाद, मतलब उतना दूर जाने से बेटर है कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड फ्री हो सकता है मेरे हिसाब से। मतलब वो स्टेशन आओगे तो वहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है मूलगांव। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे को नहाने के अवसर तो बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा ही कम है। मैंने आपको डैम दिखा दूँ मैं, देखो ये जगह घूमने लायक बहुत सेक्सी है, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अपने पास बाइक होना चाहिए था मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पे से जाने के लिए वापस कुछ ऑटो वाटो मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता। अंकल का नंबर लेके रखा है मैंने, बोला भाई वापस जाना होगा मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तो आपको ही कॉल करूँगा मैं। ये पूरा तो डैम है, देखो लोग यहाँ पे नीचे उतरे हुए, ये डैम है, मतलब पॉइंट इस ये डैम बंद है, तो यहाँ पे पानी देखो पानी का फ्लो बहुत कम है, एंड ये नहाने लायक तो है नहीं फिलहाल। या मेरे को बोलते वहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा ना तो वहाँ पर तेरे को अच्छा नज़ारे मिलेगा। लेट्स सी अभी देखो क्या क्या मिलता है अपने। ओह बाकी दिस इज द अपना द बारहवीं डैम। ओह यार देखो कुछ नहीं, बारिश में घर से बाहर निकल के ऐसे नेचर के बीच में आ जाओगे ना अकेले तो इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो इतना स्ट्रेस लेने का नहीं कि यहाँ पे से कुछ होगा कि वहाँ पे कुछ होगा कि नहीं। भाई लंबा है यार, ऊपर भैया बोल रहे थे ऊपर से व्यू मिलेगा तेरे को, मेरे को बोलना चाहिए था भैया को आप ऊपर ही छोड़ दो मेरे को। इकड़े आए थे अपना बारहवीं ढाबा, आज खाने का वीडियो बनेगा मेरे को लगता है, एंड स्टेशन से लेके यहाँ तक का भैया ने मेरे से 300 रुपये लिए आने का, 300 रुपये लेंगे अभी जाने का। जो तेरी तलाश है कैसी है ये बेबसी, हटो छू ना जाए तो हे भगवान। तो गाइस अपन इतना ऊपर चढ़ के आए, नीचे आपको कुछ पानी नहीं दिख रहा ना बिकॉज डैम ने ऊपर पानी रोक के रखा है, एंड दिस इज द व्यू ऊपर से। देखो ये अपना डैम है, अभी अंदर जाने का तो गेट बंद है, वरना क्या मस्त लगता है यहाँ से। देखो ऐसे भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। ओ इधर कुछ नहाने का है आजू बाजू में? जाओ तैर लो कोई बात नहीं। नीचे है अभी, वापस नीचे जाओ। हाँ नीचे जाके देखना पड़ेगा कि अपने को तो नहाने के लिए कहाँ पे जगह मिलता है। एंड गाइस अगर अभी यहाँ तक पहुँच गए आप तो एक कमेंट छोड़ के जाना। कमेंट करते रहो भाई, कम से कम 500 कमेंट होने चाहिए यार ये वीडियो पे, तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। अंदर कुछ है क्या? कुछ
खाली पत्थर है, सोचा घर पे नहा लिए होते। क्या बात कर रहे हैं, इधर वापस जा रहे हैं हम लोग यार। क्या नहाने आए थे तुम लोग भी? आई ना यार, और क्या करते हो तुम? मतलब ऐसे ही थोड़ा। हाँ मैं भी वही सोच के जा रहा हूँ अंदर। हम लोग रोज घूम के आए, रोज से भरा है रास्ते अंदर जाने के लिए। हां वो अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा एकदम सा ट्रैक करके जाना है, एकदम अंदर चल के जाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा याद नहीं आ रहा है, सही नहीं। लेकिन वो भी पूरा जब खाली है तो वहां पे पानी कैसे रहेगा? सही बात है। चलो मैं भी भटक के आता। भाई बोलता है अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही है टाइम पास, नहाने लायक कुछ नहीं है। भाई ने बोला, मैं बोला चलो फिर भी मैं एक राउंड मार के आता। बोलते कुछ पता चला तो मेरे को ही बता देना। भाई भाई पानी तो तब होता ना जब ऊपर से डैम में से पानी छोड़ता। कभी डैम में से पानी नहीं छोड़ा है तो ऑब्वियस है कि पानी कैसे होगा ना यार। सही है यार, नेचर नेचर को कोसने से अच्छा नेचर में आके थोड़ा बैठोगे शांति से, वो भी एक अलग सुकून है। अब ऐसे बोलना पड़ेगा यही बोलना पड़ेगा अभी। दिल को बेवकूफ बना के रखना पड़ेगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। चप्पल लाने का या शूज लाने का? भी शूज लेके घूमो तुम, गीला हो जाता है, वरना क्या करने का। पैर डाल के अगर बैठ सकते हो थोड़ा टाइम तक। बारिश भी आना चालू हो गई। तुम लोग तो मच्छी भी नहीं है भाई। तो पानी भी गर्म है यार। आई करा चाहता जंगल ट्रैक है अपना और कुछ नहीं। कुछ है भैया इधर? लोकेशन से एकदम बता दिए। हाँ हम भी वही ढूंढ रहे, कुछ मिल जाए तो मिलेगा। बहता पानी कुछ नहीं है इधर नहाने का। नहाने जैसा नहीं है ना आगे वहाँ पे देख, वो ये आगे जाएगा ना। हाँ। देख, थोड़ा ऐसा है। चलो ठीक है, मजे किया आपने। ये अलग रिवर जा रहा है। बड़ा हूँ आज भी वही। भाई फोन अंदर रखो अपना। देखो यार ऐसा नहीं है कि ये पानी जो सामने दिख रहा है ना मेरे को, ऐसा नहीं है कि ये डीप नहीं है। डीप तो है बट ये स्टिल वाटर है, तो इसमें नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। नहीं तो उतरने का मन नहीं कर रहा। देखो भाई स्लिप मत होना, बस पैर संभाल के। यहाँ का पानी फिर भी ठंडा है थोड़ा। मतलब ये जगह आपको कैंपिंग करने के लिए मस्त है कि इधर आया, खाना पीना खाया और इधर बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लिया, वही है इधर सीन। यार पानी में स्मेल तो नहीं आ रहा है, देखते हैं। नहीं यार पानी तो साफ है वैसे, पता नहीं बट नहाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा तो है वैसे यार। एक दिमाग बोल रहा है कि पानी में उतर जाऊं, बट एक दिमाग बोल रहा है कि पानी में नहीं उतरता क्योंकि वो स्टिल वाटर है यार, मज़ा नहीं आ रहा देखने में। बाकी आपको ऐसे एडवेंचर करने आना है तो सॉर्टेड है भाई, मतलब एकदम खाली मस्त अपना एकांत में हाँ एंजॉय करना है तो भाई पत्थर पे। लेकिन अकेले आते तो थोड़ा ध्यान से चला करो, पता चला स्लिप होके पटके ना तो कोई बचाने को भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। कमल के भाई बारिश ज्यादा हो गया अभी थोड़ा।
देखो भाई, आपको पानी में ज़्यादा उतरना पसंद नहीं है, आपको पानी में भीगना पसंद नहीं है, सिर्फ ऐसे खाली नेचर का मज़े लेना ना, तो आप इधर आ सकते हो। देखो अभी थोड़ा बारिश चालू हुआ तो पानी बहना भी चालू हुआ। स्लिपरी है भाई, स्लिप हो सकता हूँ। यार गीला नहीं होना था पर गिर गया, अभी क्या करें, अब तो भीग के जाना ही पड़ेगा मेरे को लगता है। स्लिप हो गया, अब क्या है, अभी इधर ही बैठ जाते हैं और क्या। बोलते ना तुम कुछ प्लान नहीं कर सकते, भगवान ने प्लान किया लगता है, भीग के जाना है। अरे पानी अभी अच्छा हो गया, बहता हुआ पानी, अभी भाड़ में गया सब कुछ, अभी अपन इधर ही भीगेंगे। इधर ही कितना डीप है देख रहे हो तुम। चलो भाई, भगवान चाहता था लगता है कि अपन भीग के जाए यहाँ से, तो अपन भीग के जाएंगे अभी। लो अपना बैग को बचाते, जेब में और कुछ है तो नहीं। चलो अभी अपन जैसे सब बैठे हुए अपन भी बैठ जाते। तो पानी देख रहे हो कितना डीप है, और अभी इसमें आवाज़ आएगा कि नहीं, अभी वो भी एक टेंशन है। बारिश आया और पानी निकल रहा है ना, तो ज़्यादा फिर भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अच्छा पानी है। देखो अब मैं मुंबई घर में भी जाऊंगा पक्का। यार बट जो भी पानी क्लीन है ऐसा मत सोचना। भाई ये पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी है यार, इसमें डर लग रहा है फालतू का। चढ़ा हुआ तेरी तलाशी, ये कैसी है ये बेबसी। अपन वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बड़ा तालाब भी तो दिख रहा है ना। कैसे ना हल्का सा बारिश चालू हुआ और पानी पूरा बहना चालू हो गया, देख रहे हो। इधर जगह जगह पर खतरनाक काई जमी हुई है, देखो। यही बारिश अगर जोर से हो गई और आधे घंटे रह गई ना, तो समझ लो जगह हालत क्या हो जाएगा। हे भगवान तेरी माया। हाँ यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना भीगी गया हूँ तो क्यों ना वो नदी में जाके कूद ही जाऊँ एक बार। तो इतना आवाज़ कहाँ से आ रहा है पानी का भाई? ट्रस्ट में बारिश नहीं आया होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता जितना बारिश आने के बाद हो गया। मतलब बारिश जब तक नहीं आता तब तक ऐसा सुनसान लग रहा था, बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था। जैसे ही बारिश चालू हुआ ना, वो नदियाँ बहने लगी अचानक से, वरना सब स्टिल हो गई थी। देखो भाई, अभी ये पानी भी अच्छा लगने लगा है। फिर मैंने पता किया कि ये डैम का ही पानी है, रिवर का ही पानी है, वो तो बारिश नहीं हो रही इसलिए फ्लो नहीं हो रहा है, वरना अच्छा है नहाने लायक। तो अभी अपन इसमें भी नहाएंगे भाई। स्लिप मत हो बस, मेरे को सिर्फ डर है स्लिप होने का। आज भी वही दिल को जो तेरी तलाश है, कैसी है ये बेबसी,
हाँ भैया मेरे को भी पूछा थी, आज तो सब जगह बंद है, तुम इतने दूर से आके तुम्हारा फ्लॉप हो गया। हाँ वो तो है, बट यार ये पानी तो मस्त है, मैं फालतू का इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ठीक है ठीक है। वो वाओ ये सही है। यार गाइस ऐसे कहीं भी मत उतरना, मेरे को स्विमिंग आता है, तो अगर कुछ होगा तो मैं खुद को तो बचा ही लूंगा। ये इतना डीप नहीं है, मैं बैठा हूँ। हम सब मेरे को देखते सोचने अकेले में, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में पगलाना भी इम्पोर्टेंट होता है। कैसी है ये बेबसी, यार बारिश 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 इज इम्पोर्टेंट अगर तुमको भीगने आने का। आगे जाके तो आगे वाली पे अरे बाप रे, अगर एक आध लोग साथ में होते ना तो वहाँ तक स्विम करके वापस आ सकते थे, अगर अभी अकेले का तो रिस्क लेना नहीं थे, वहाँ तक आ गए वही बहुत है। सीरियसली अगर बारिश नहीं होता ना तो ये पानी में नहीं कूदता मैं, और अगर नहीं कूदता ना तो घर पे जाके बहुत रिग्रेट करता, क्योंकि सही है ये पानी। भाई तो अभी अपन था पानी में तो थोड़ा मजे करते हैं, फिर आपको तो मिलेंगे बाद में, क्या अभी सीधा खाने पे मिलेंगे आपको। तो भारी खा रहे हो? हाँ नहीं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्विम करके जाएंगे आगे। स्विम करने लायक नहीं है, अंडर वाटर करने लायक है। जाने को तो मैं लंबा भी जा सकता हूँ, फिर पता चला आगे जाके सारा बहुत डीप है ना, तो वापस आने के बंद हो जाएंगे। अगर जो भी बोल रहे ना कि अकेले आने में क्या मजा आता, अकेले आने में, अकेले कभी आके देखो भाई, अकेले बहुत मजा आता है। mm